हेलो बच्चों लेट्स सी दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू डार्विन द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन इज ड्यू टू तो डार्विन के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन है वो किस वजह से ऑर्गेनिक एवोल्यूशन आप जानते हैं कि जो एग्जिस्टिंग लाइफ है वो कहाँ से आई है इट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ ओके तो इसके लिए जो

के अंदर अगर कॉम्पिटिशन हो रहा है सो दैट डू नॉट लीड टू अव स्पीसी और इज वरी फ्रॉम द प्रीवियस वन ओके सी इंट्रस्पेसिफिक कॉम्पिटिशन येस दिस इज दी करेक्ट आंसर क्योंकि अगर इंटरस्पेसिफिक डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में जब कॉम्पिटिशन होगा फॉर अ सिमिलर काइंड ऑफ रिसोर्स जो कि हमें डार्विन ने समझाया कि अगर एक रिसोर्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ फाइट करेंगी कंपीट करेंगी तो वहां पर आप देख सकते हैं कि जो फिट कैरेक्टर्स हैं वो भी आएंगे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी फॉलो होगा साथ ही साथ क्या होगा कि जो नई एंसेस्ट्री जो नए ऑर्गेनिजम्स फॉर्म होंगे दैट विल शो कैरेक्टर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज यानी कि अलग अलग स्पीशीज में जो बेस्ट होगा वो आपका आगे एवोल्यूट होएगा यानी कि प्री एग्जिस्टिंग में जो बेस्ट है वो एग्जिस्ट करेगा सो दिस इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन इज द करेक्ट आंसर और इज ऑर्गेनिक एवोल्यूशन इज ड्यू टू इंटर स्पेसिफिक दम्पिटिशन ओनली जो कि हमें डार्विन ने अकॉर्डिंग टू डार्विन ये इनका कॉन्सेप्ट था डी कंपटीशन विद इन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज बिल्कुल नहीं क्योंकि अगर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के बीच में कंपटीशन होगा तो वहां पे आपको वेरिएशन कम देखने को मिलेगा ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का मतलब ही होता है कि इफ देयर इज सो मच वेरिएशन अमंग दी इंडिविजुअल ऑफ अ पॉपुलेशन दैट इज फर्दर कंटिन्यू इन दी इको सिस्टम इज कॉल्ड एवोल्यूशन तो अब यहाँ पे एवोल्यूशन का मतलब ही होता है डिसीडेंट विद मॉडिफिकेशन तो अगर कॉम्पिटिशन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज में होगा तो मॉडिफिकेशन विल बी वेरी लेस एंड विच इज नॉट सपोर्टिंग ऑर्गेनिक एवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू डारविन सो द करेक्ट एंड फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी ऑप्शन दैट इज इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन ओके बेस्ट ऑफ लक